हाँ वर्मा जी, आपको नमस्कार। आपने मायावती बहन ने आपको विश्वास किया है ऊपर, तो आपको टिकट दिए, तो आप जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हो? मुझे बहुजन समाज पार्टी से माननीय बहन कुमारी मायावती ने 94वें विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मेरा काम सर्वोत्तर पर मेरा भाग को जिला बनाना है। वहाँ हमारा शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उसमें उसके लिए शिक्षा के लिए स्कूल विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालयों की स्थापना कराना, और हमारे यहाँ पर बेरोजगारी का मतलब जो भी हमारे नौजवान साथी हैं वो बेरोजगार बन रहे हैं, उनके लिए उद्योग लगाकर बेरोजगारी का खात्मा करना है। अच्छा, जैसे आपकी सत्ता आती है, सरकार बनती है, तो आप वहाँ को क्या बनाओगे? अगर हमारी बहुजन समाज पार्टी की बहुमत की सरकार बनती है तो वहाँ को पहला काम वहाँ को जिला बनाना, और यहाँ पर उद्योग काम कराना, और यहाँ पर एक और खेल कूद के लिए स्टेडियम का मेन प्रावधान रखेगा। अच्छा, गांव गांव जा रहे हो, गली गली घूम रहे हो, तो आप जनता से क्या आपको आश्वासन दे रहे हो? मुझे सर्व समाज से आशीर्वाद मिलना है, और सर्व समाज का आशीर्वाद मतलब सब लोग मेरे साथ। मैं शहीद को आदर्श नेता मानते हुए आज ग्राम पेपरावलिंग कॉलोनी मोहल्ले इंदिरा नगर मोहल्ले में उपस्थित मेरे सभी पिता तो बुजुर्ग माता बहने आम उम्र साथियों सभी को मेरा सादर जय भीम। मैं नितिन वर्मा, मुझे बहन जी ने अपना आशीर्वाद दिया है, 94वें विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह हाथी आगामी 10 फरवरी को चुनाव चिन्ह हाथी का पड़ दुआकर भारी बहुमत से विजय बना देना, जैसे महा विधानसभा की जाकर लखनऊ में जाके भेजेगी। और माननीय बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग हाथ मजबूत करेंगे। मैं आप लोगों से विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ, मेरे गौरव के मान सम्मान की कोई बात आएगी तो नितिन वर्मा अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहेगा। हमें अब तक जितने भी विधायक रहे हैं उन लोगों ने आज तक अपने ही मतलब विकास न करके अपने ही घर का विकास किया है। बाहर विधानसभा में राज घराने का 70 साल से राज चल रहा है, लेकिन 70 साल से उन्होंने भाव विधानसभा में एक भी समाज के लिए काम नहीं किया। उन्होंने अपने ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाजों के लिए उन्होंने मतलब अलग लगा दिए। वोट हमसे लेते हैं लेकिन वो काम उन लोगों करते हैं, वोट हमसे लेकर गिनती भी वो अपनी कराते हैं, लेकिन इस बार मौका मिला है, बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। मैं अपने SC OBC समाज के लोगों से कहता हूँ, मैं आपका बच्चा आप लोगों के मान सम्मान के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा, और बाहर विधानसभा के अंदर विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा। मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ, आगामी 10 फरवरी को चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाकर भारी बहुत से विजय बना देना, और उस दिन यहाँ से आप सब लोग संकल्प लेंगे 10 फरवरी को सुबह 10 बजे से मतलब लाइन में लगकर कुछ भी करें, चुनाव चिन्ह हाथी का बटन दबाकर चुनाव को 95% फीसदी मतदान करने का काम करें। जय भीम, जय भारत, नमोदय, खुदा हाफिज़, राम राम सर। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।